एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो नए साल की पहली इवनिंग वॉक करने हम लोग जा रहे हैं आज, और निक्की लोग तो चले गए हैं आगे, मैं पीछे रह गई हूँ। बाकी उस लड़की ने मेरे शूज पहने, आज सबसे पहले तो उसको मारूंगी मैं, क्योंकि मैं पूरे घर में शूज ढूंढ रही थी कि मेरे शूज कहाँ है कहाँ है। फिर मुझे ध्यान आया मेरे घर में चोर भी तो है, जो मेरे कपड़े वगैरह सब चोरती है, तो वही लेके होगी पक्का। पहले उनको पकड़ते हैं जल्दी से। तो निक्की लोगों को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, और ये लड़की इतनी चोर है क्या बताओ, इससे मेरे शूज पहन के भागी है। मैं वहां पूरे घर में शूज ढूंढ रही अपने कि मेरे शूज कहाँ है। चुप हो जा, मैं वहां शूज ढूंढ रही कि शूज कहाँ है मेरे, और ये लड़की देखो मेरे शूज पहन के आ गई। यार नॉट फेयर यार निक्की, नहीं पागल। हम लोग तो घूमने भी क्यों जाइए, देखो सबसे पहले ये आते हैं, और छोड़ अपना अपना मैटर खुद निपटाते हैं, हमारे भरोसे पे आती है ये लोग। बेटा ओ बेटे, निक्की खतरा को पार करके आ गई, निक्की खतरा पार करके आ गई, देख चल चल घर जा बेटा, घर जा। चलो चलो जवानो जल्दी आओ, वीर तुम बड़े चलो हैं, गायों को रोक वहां से, गाय के लिए सामान ले। अच्छा वहां है तो सही, गाय चलो चलो। निक्की देख कितना खतरा, अरे लचक रहा है यार, निक्की लचक रहा है। ये नहीं मिली तुम्हें, अरे यहाँ भी तो है, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे ये तो मेरी तरफ आ रही है, नहीं आ रही, चलो आगे। इतना गंदा शूज मुझे दिया ना उन्होंने आज, पूरे पैर मतलब वो अभी से छाले होने लग गए यार। अरे आराम से दो, वो पॉलिथीन उठा देना वहां से। ये कहाँ चढ़ा है भाई, निक्की पोज देख, उसका पोज देख वहां। निक्की तू भी रेस लगा, ऐसे लोग शायद से भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे यार। ये प्रियंका का भाई था ना ये, पता नहीं मैंने नहीं। निक्की नए साल पे स्कूल के दर्शन करके आए क्या? मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही करे। अच्छा, हमारा स्कूल भी यहाँ से पास ही पड़ता है, तो देखते हैं अभी जाते कि जाते हैं उस साइड तक। साइड गए तब जाएंगे। तो ये है यहाँ पे काली मंदिर, कीर्तन हो रहा है। बहुत खुश हो रहे हो? हाँ कुछ हंसी की बात करते हैं। This is our school. हमारा पुराना स्कूल खुला है वैसे तो। खुला है, जाके देख। नमस्कार स्कूल को, नमस्कार करो। कितना टाइम बाद देखा। अरे यार कितना चेंज हो गया। कोई कोई भैया लोग तो नहीं होंगे बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम यहाँ? यार कितना सही, वो तो उस साइड रहते हैं ना। वाओ यार कितना सही हो गया है ना, है ना? मैंने तो अपना स्कूल बहुत टाइम बाद देखा है ऐसे अंदर से, तो काफी अच्छा सुंदर हो गया। निक्की हमारे टाइम, तेरे टाइम पे था ऐसे? मतलब ऐसे ही था, थोड़ा बहुत रहा होगा ना, लेकिन यार कितना अच्छा लग रहा है। उस साइड निक्की की बायो लैब वगैरह थी, उस साइड। अच्छा तेरे टाइम पे, अच्छा वहाँ बन गया था तेरा मतलब वो क्या? हाँ उधर बन गया था, उधर हम बायो लैब जाते थे और ये थी क्लास। हमारे टाइम पे तो यही था जो सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं बना हुआ था, जो स्टेज है ना ये नहीं बना हुआ था ऐसे। नहीं ये तो मतलब ये इन्होंने अभी वो आर्ट अभी करी है। हाँ पर हमारे टाइम पे बन गया था ऐसा वाला। अच्छा ना हमारे टाइम पे नहीं बना था। न्यू न्यू उन्होंने वो और चीजें अच्छे से कर रखी हैं। देख लो वो वॉशरूम होता है, वॉशरूम तो खैर वहाँ, वॉशरूम तो खैर वैसे ही है शायद से ना, वो वैसे ही है, बट ये काफी वो बढ़ा दिया इन्होंने यहाँ पे, ये पहले नहीं था। ग्रीनरी काफी अच्छी कर दी है ना। क्या यार क्या यादें होती है स्कूल की ना, स्कूल तक ही सही लगती है यार लाइफ, उसके बाद तो बहुत बेकार है। तो गेट को लगा देंगे, और यार काफी अच्छी यादें हमारी थी स्कूल में यहाँ। अब चलते हैं घर। कैसा हो जाता है ना टाइम, मतलब कि पहले कैसा रहता है और फिर कैसा हो जाता है लाइफ में। चले निक्की चलो। निक्की तेरे टाइम पे कौन कौन सी टीचर्स थी यहाँ पे? मेरे टाइम पे मैं राजधान मैम से भी पढ़ा है। हाँ वो मैम, खैर मैंने हमने तो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, खैर
उनसे, बट मैंने देखा था तो काफी मतलब काफी ओल्ड हो गई है वो मैम ना, काफी ज्यादा। और कोठियाल मैम थी, हाँ वो, हाँ उन्होंने कोठियाल मैम रिटायर्ड हो गए, उन्होंने हमें पढ़ाया। और सुनीता मैम है, सुनीता मैम मतलब हमारे जो स्कूल में थे ना टीचर्स काफी अच्छे थे यार, बहुत अच्छे, मतलब जिसे बोलते हैं काफी अच्छी अच्छी चीज उन्होंने हमें सिखाई है ना, बहुत अच्छा जैसे बोलते हैं। बाकी सब रितु मैम और, हाँ रितु मैम हमारे उसमें भी थी। और कौन था अभी भी याद भी नहीं आ रहा मुझे यार क्या बोलते पुष्पान मैम, हाँ वो हिंदी, वो हिंदी पढ़ाती थी। ध्यानी सर, रावत सर से मैंने नहीं पढ़ा है। ध्यानी सर कौन है? ध्यानी सर नहीं थे वो इकोनॉमिक्स वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ध्यानी सर, वो उन्होंने भी छोड़ दिया शायद। और मुकेश सर, हाँ वो सर अच्छे, मुकेश सर। और नहीं खैर सारे टीचर्स अच्छे थे यार, क्या बोल सकते हैं। अब मतलब बहुत सारे जो उसमें थे प्राइमरी ब्रांच और मिडिल ब्रांच में, हाँ। वो लोग भी अभी यहाँ आ गए हैं। तो मतलब अभी तो मैंने प्राइमरी और मिडिल नहीं देखा, मतलब मैं तीनों में पढ़ी। तू भी तीनों में पढ़ी है ना? नहीं तू नहीं पढ़ी ना? ना मैं मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल, मिडिल से आई थी, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वाले तो है ही हम, मिडिल स्कूल से। नहीं मैंने तीनों ब्रांच में पढ़ा है, प्राइमरी मिडिल और स्कूल, ऐसे से शिफ्ट हुए सीनियर जूनियर। मम्मी वेट, मम्मी वेट कर रही है, अंधेरा हो जाएगा ना। हाँ बाघ लग रखा है आजकल सब जगह। हाँ आजकल मैंने भी सुना था कि टी स्टेट पे जो है बाघ लगा है, और जो हमारे सामने अंकल थे उन्होंने देखा भी है, बट कुछ कह नहीं सकते भाई, कहाँ कहाँ आ जा रहे हैं बाघ, यहाँ भी पहुँच गए। क्या चले वा? क्या बोल रहा? अच्छा डॉगी दिखा रही है मम्मी, अच्छा खाना खा रहे हैं, खाने का टाइम हो गया इनका, काफी अच्छा वो करा इन्होंने, डोंगे में दिया है। पहले ना मुझे बहुत अजीब सा होता था, इसमें आने में कैसे आएंगे। मैं इस साइड से नहीं आना चाहती। तो भाई ऐसे आते भी नहीं हो उसमें, नीचे करके भी आ सकती है, जल्दी आ यार पहले पता यहाँ पर वो लगाया रखा था इन्होंने, मतलब एक ऐसी बेंच टाइप की बना रखी थी सीमेंट की, इस साइड पे हम बैठते थे, और अब वो हट गई। ये तो रही, ये रही हट गई ये स्निकी की वजह से ना, इन जूतों में वो पत्थर चुभ रहे हैं भाई भाई, तो ऊपर से नीचे आती और वो पैर में दर्द हो रहे हैं, और तो और छाले जैसे हो रहे हैं। ऐसा कहीं जाते हैं तो जल्दी आना चाहिए। इसमें जल्दी आने से क्या मतलब है भाई? आप तो ऊपर चोरी तो चोरी करी है तूने, ऊपर से नीचे आती हाँ। तो तेरे को ये जूता दिखता तो जूता पहले तो जूता ही है वो, मुझे जूता क्या दिखता इतना लेट आई, कितनी वो है यार, मेरा तो जूता ही है, मुझे जूता क्या दिखता। ये बोलना तुझे चोरी का मौका नहीं मिलता फिर, पागल। और अंधेरा होने वाला है, जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ बाघ भी हैं, सुना है हमने ऐसे कि बाघ आ गए हैं टी स्टेट में, आ गए हैं या आ गया है, जो भी है एक एक दो पता नहीं। पर अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? एक वचन बहुवचन कर रही है इनको ना, इनको अपने, इनको ना ये एक वचन बहुवचन क्या कर रही है? आ गए हैं मींस की बहुत सारे बाघ होंगे, और अंकल ने तो देखा है मींस की आया है। अरे प्लीज निकी, प्लीज अंकल जी किसने गाना सुना तुरे? क्या आसमान का तारा हूँ, मुझे उस पेड़ में झूला झूलना था, लेकिन उन्होंने इन्होंने इस टाइम झूलने दिया, अब वहाँ पे कुछ लड़के आ गए हैं, अब दूसरे पेड़ में झूलूंगी। क्यों हंस रही? अपने कुत्ते की याद आ गई तुझे? अपने कुत्ते की याद? नहीं यार, यहाँ सारे लोग गाना सुन के जा रहे हैं, हमारी मम्मी कहाँ भाग गई? वो आगे भाग दे जा, भाग। तूने वो देखा है क्या जो हमारी काली वो कैसे दौड़ती है? कैसे दौड़ती है? ये बदतमीज कहीं की कालू की एक्टिंग कर रही है भागते हुए। क्या वहाँ पे झूला, वहाँ भी लोगों ने झूले लगा रखे, कितने मजे आ रहे हैं। यहाँ भी झूला देख, अब तो क्या उस झूले में बैठने वाली है? छोटे वाले मत बैठ जाइयो, तोड़ियो मत उनका झूला। टूटेगा तो नहीं? पता नहीं यार, थोड़ा सा हल्का सा अटक। इसका जॉइंट पकड़ लेती हूँ, और जो ऊपर से टूट गया वो छी बाबा। ओह माय गॉड, छोटे बच्चों का झूला है वो, रहने दे। गाली देंगे मुझे। इसमें चढ़ जा। कहाँ से चढ़ूँ यार? थोड़ा आगे से ऊपर पकड़। कहाँ
बाघ भी ऐसे ही बैठा रहता होगा ना रात में इसमें? नहीं कहीं नहीं झूला तो नहीं झूलता होगा ऐसे देख। क्या है जल्दी आ, कुछ करना था मगर कर नहीं पा रही हूँ अभी यार। जल्दी आ जा, रात हो गई। चल ठीक है बाद में आऊंगी। चल उतर जा आप। हाय दैया, कैसे उतरूं? जैसे चढ़ी थी वैसे। यहाँ से दिखा मुझे कैसे आऊंगी मैं। कैसे ये पकड़ना ऊपर वाला? हाँ एक बार झूलो इसमें। चल तोड़ मत दियो उसको, उन बच्चों का झूला तोड़ दिया वहाँ। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाय मजा तो आ रहा है वैसे, बात नहीं है। बाबा स्लिप हो गया वो हाथ यार। चल आ जाओ। मम्मी आवाज मार रही है वहां से। हाय राम प्यारी, इसका नाम राम प्यारी है। राम प्यारी जाओ बेटा, राम प्यारी जाओ। राम प्यारी, राम प्यारी करी, राम प्यारी घर जाओ। तो ये वो खंडर है जहाँ गुलाब एंड गन की शूटिंग हुई थी और बाकी शूटिंग होती है यहाँ पे। आग सेकेंगे बाद। तो हम लोग आ गए हैं आग सेक के अंदर, और अभी हम जब आग सेक रहे थे तो तब कुछ बच्चे आए, लड़के, तो वो कल भी आ रखे थे। तो वो अपने साथ जो है एक कुत्ता लेके आए थे जो कि बड़ा ही कुत्ता था, और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये इस कुत्ते को शायद से छोड़ने जा रहे हैं पीछे टी स्टेट के साइड, मुझे ऐसी फीलिंग आई। और जब मैंने उनको देखा वापस आते वक्त तो वो कुत्ता उनके साथ नहीं था। तो अब पता नहीं उन्होंने छोड़ा है कि क्या करा है, ऐसे मैं जज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है ऐसे कि उन्होंने छोड़ा ही है शायद से। मुझे ऐसे फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है। तो अभी तो उन्होंने क्या करा था कल, मैं इनको वहाँ से यहाँ से बोल भी रही थी कि नहीं काटेंगे तुम्हें, कुछ नहीं करेंगे, तुम अपना डॉगी लेके जाओ पहले। मतलब ऐसा होता है ना कि जब किसी दूसरे गली में कुत्ता आता है कोई, तो हर कोई कुत्ता जो है भौंकता ही है, और हम लोग भी प्रोटेक्ट करने के लिए खाली डराने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं ये सो करके कि नहीं ऐसे करके दूसरे कुत्ते को ना। तो मैंने सोचा ये भी ऐसे कर रहे होंगे। वो बच्चे पत्थर भी उठा रहे, मैं बोल भी रही नहीं करेंगे, तुम सीधा निकलो निकलो सीधा निकलो, नहीं करते हो ऐसे। बल्कि इनमें जो हमारे डॉग्स हैं वो हमारे साइड ही आ रहे थे, मतलब मेरे बोलने पे कुछ भाग नहीं रहे थे। वो तभी भी पत्थर उठा रहा है, उसको चिढ़ा रहा है, ये कालू मोटू को चिढ़ा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ, जब वो आ रहे थे ये तीन के तीन कुत्ते, तो सिर्फ आवाज़ सुन के ही कालू मोटू ने रिएक्ट कर रहा है, और मतलब वो घुराने लग गए उनको देख के। तो ऐसा ही होता है, जानवर अपने दिमाग में बातें बैठा देते हैं सिर्फ आवाज़ सुन के। एंड आई वॉज, मैंने कहा, फिर मुझे समझ में, मैंने कहा यार ये बच्चे ही जो हैं जानवरों को ऐसे करते हैं, मतलब ये छेड़ते छोड़ते हैं, उसके बाद अगर इनको काट दिया जाए तब बोलते हैं कि जानवर पागल हो गया, कुत्ते ने काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो प्लीज़ यार अपने बच्चों को भी समझाएं कि ऐसे ना करें, बाहर जाके किसी भी जानवर को जो है फालतू के छेड़े ना, क्योंकि ये एक बिल्कुल लाइव था मेरे सामने। क्योंकि मैंने कल देखा था उनको कि वो किस तरीके से उसको चिढ़ा रहे थे, इनको चिढ़ा रहे थे, और आज उन्होंने देखा भी नहीं, सिर्फ आवाज़ सुन के वो घुराने लगे और उन पर जाने लगे। तो ऐसे ही होता है मोस्टली टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज़ समझाएं अपने बच्चों को कि ऐसे बाहर किसी जानवर को फालतू का वो नहीं करें। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे बच्चों को देख के, एंड बच्चे भी इतने बदतमीज़ हैं आजकल, कितने बदतमीज़। समझा के भी बच्चे भी कहाँ थे वो, मतलब इतने भी बच्चे नहीं थे कि बिल्कुल छोटे हों, और इतने भी बड़े नहीं थे, ठीक एज के थे, तीन थे, और स्कूटी में आते हैं वो छोटे छोटे। आज तो खैर पैदल आए थे, हाँ आज पैदल आए थे, तो स्कूटी भी लेके आए थे वो कल। और वैसे ही जब ऐसे ये रफ राइडिंग वगैरह ये सब करते तो ये कुत्ते वैसे भी परेशान हो जाते हैं ऐसे करके। तो वो कल से जो है चिड़े हुए थे, और आज जो है वो घुराने लग गए थे उनको देख के। तो ऐसा ही होता है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है ढंग से समझाएं कि बाहर पालतू जानवरों को ना छेड़ें। और अगर हाँ, अगर इन्होंने ही वो कुत्ता जो कुत्ता लेके आए थे कल, अगर ये छोड़ा है, तो प्लीज़ यार अपने घर में जो है सोच समझ के फैसला करें, सबसे मिलजुल के अपनी फैमिली में वो करें कि हमको टिको, निकी बाहर चली गई तो इसलिए वो है यहाँ पे रो रहा है। तो फैमिली में सोच समझ के जो है डिसाइड करना चाहिए कि हमको लाना है कि नहीं लाना है ये सब वगैरह करके। और चलो ठीक है, अगर ला रहे हो तो प्लीज़ ऐसे छोड़ो मत यार, अगर छोड़ रहे हो बाहर तो बहुत ही गंदा है ये सब। तो जो जो स्ट्रे डॉग होते हैं, जो स्ट्रे होते हैं उनका चल जाता है, उनको थोड़ा वैसे आदत पड़ जाती है, लेकिन जो घर के पालतू होते हैं ना यार, वो बाहर ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते यार। तो प्लीज़ उनको छोड़े ना, ठीक है ऐसे।
तो चलो इस ब्लॉग को जो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।